अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकोज यार। आज हम लोग करने वाले हैं टेक्नो कैमोन 16 का पबजी और हीटिंग टेस्ट। इसकी जो पाकिस्तान के मार्केट के अंदर ऑफिशियल प्राइस है वो है 37,000, लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट के बाद मार्केट के अंदर ये तकरीबन 35,000 के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आज की डेट के अंदर अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं 35,000 के प्राइस टैग के ऊपर, तो उसके साथ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्पेशली तौर पर गेमिंग को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस प्राइस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं तो भाई हम लोग गेमिंग के ऊपर डेफिनेटली कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग आज ये चीज टेस्ट करेंगे कि ये हमारे गेमिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरता है या फिर नहीं उतरता। इसके अंदर हम लोग पबजी को टेस्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलता है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि 6.9 इंच का IPS LCD डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ। प्लस इसके अंदर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, उसके साथ हायर टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। इट मीन्स कि आपका जो डिस्प्ले होगा वो काफी ज्यादा स्मूथ होगा और काफी रिस्पॉन्सिव होगा। इसके अंदर में 8GB की रैम मिलती है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अब ये जो 8GB की रैम है ये LPDDR4X रैम है, जो कि काफ़ी एक अच्छी रैम है, काफ़ी एक फास्ट रैम है। हम लोग पबजी को लेके या फिर ओवरऑल गेमिंग को लेके इस रैम की मेमोरी के ऊपर टोटली तौर पर डिपेंड वो कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर लगे हुए प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें मिलता है MediaTek का हीलियो G90T प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली मैं कहूँगा कि काफ़ी एक डिसेंट प्रोसेसर है। और ये वाला जो प्रोसेसर है ये स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो फोन इस प्रोसेसर के साथ आए उनके अंदर हमें गेमिंग की काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। तो हम लोग होप कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर मैं बैटरी को भी लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर हमारी जो बैटरी ड्रेन हो रही होती है वो कंपैरेटिवली काफी तेजी के साथ ड्रेन हो रही होती है। तो इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो 4500mAh की मिलती है, साथ में हमें 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। यहां पर जो फास्ट चार्जिंग है वो काफी ज्यादा इसकी इंप्रेसिव है। आप लोग कह रहे हो कि आपका जो स्मार्टफोन है ये तकरीबन 70 मिनट से लेकर 90 मिनट्स के अंदर टोटली तौर पर चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर जो बैटरी होती है गेमिंग को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी फास्ट चार्जिंग। क्योंकि अगर आपका जो फ़ोन है वो तेज़ी के साथ ड्रेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को वहाँ पर चाहिए कि आपकी जो बैटरी वो तेज़ी के साथ चार्ज भी हो। ओवरऑल हमें जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। 8GB की रैम है, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप लोगों को एट द एंड परफॉर्मेंस कैसी मिलती है आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो पबजी टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्नो कैमोन 16 के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की, कि हमें एंटूटू के ऊपर कितना स्कोर मिलता है। तो इसके अंदर हमें एंटूटू के ऊपर जो स्कोर मिलता है वह 292,000 से ज्यादा का स्कोर, जो कि इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली इस प्रोसेसर का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके प्रोसेसर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया गया है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पबजी को प्ले कर लेता हूँ। जितनी देर के अंदर हमारी पबजी यहाँ पर लोड हो रही है उतनी देर के अंदर हम लोग टेम्परेचर्स को मेजर कर लेते हैं। अगर बात करते हैं मेरे रूम के टेम्परेचर की, तो इस वक्त मेरे रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 23.5 डिग्री। इसके बाद हम लोग इसके बैक पैनल का टेम्परेचर मेयर कर लेते हैं, जो कि है 32.1 डिग्री। यहाँ पर इसके जो बैक पैनल के टेम्परेचर को मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस को भी निकालना है। अगर हम लोग बात करते हैं ये तो लॉक हो गया, तो यहाँ पर जो पबजी है वो लोड हो चुकी हुई है। जितनी देर के अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर्स को मेजर किया उतनी देर के अंदर ही ये लोड हो चुकी हुई थी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं इसकी जो ग्राफिक्स की सेटिंग है वो शो अप करवा देता हूँ कि इसके अंदर हमें ग्राफिक्स कितने मिलते हैं। तो इसके अंदर आप लोग स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ पबजी को प्ले कर सकते हो, बैलेंस ग्राफिक्स के साथ आप लोग अल्ट्रा फ्रेम के ऊपर अगेन पबजी को प्ले कर सकते हो, उसके अलावा मैक्सिमम आप लोग इसके अंदर HD ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट के ऊपर पबजी को प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो पबजी को प्ले करूंगा मैं स्मूथ ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट के ऊपर प्ले करूंगा, और यहां पर हमारे जो कलर्स हैं वो कलरफुल मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। इसको हम लोग करते हैं ओके। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं जायरो की, इसके अंदर हमें जायरो की सपोर्ट मिलती है या फिर नहीं मिलती, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर हमें डेफिनेटली जायरो की सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन मैंने इसको क्लोज ही रखा हुआ है, क्योंकि यार मुझे जो जायरो की इतनी कोई खास समझ नहीं आती कि उसको कंट्रोल किस तरह करना है। मैं विदाउट जायरो ही पबजी को प्ले करता हूं। यहां पर मैं पबजी को स्टार्ट कर लेता हूं। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो ग्राफिक्स हैं स्टार्ट करते साथ ही वो कितनी देर के अंदर लोड हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ लोड हो रहे हैं, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होती है तो उस वक्त उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर ये आई थिंक कि लोडिंग कर रहा है, डाटा वगैरह को कलेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जो मैप के ग्राफिक्स हैं वो कितनी क्विकली यहाँ पर लोड हो रहे हैं। आई थिंक इसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्राफिक्स को लोड कर लिया है। उसके अलावा लॉबी के अंदर तो जो इसका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँ कि यार इसके अंदर मैं पबजी को काफ़ी ज़्यादा दिनों से प्ले कर रहा हूँ, पर्सनली तौर पर मुझे पता है कि इसके अंदर पबजी कितनी अच्छी चलती है।
आप लोगों को यहाँ पर मैं शो अप करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सर हम लोग फाइनली प्लेन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अब मैं इसको जंप करवाऊंगा। जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे वाला जो मैप है उसको लोड होते हुए लाजमी तौर पर देखना है कि वो ग्राफिक्स को कितनी ज्यादा तेजी के साथ लोड कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब नीचे जा रहे होते हैं तो जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा होता है। उसके रियल टाइम के अंदर मैप को भी डाउनलोड करना होता है और जो डाटा होता है उसको कलेक्ट भी करना होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैप है हमारा काफी ज्यादा अच्छी तरह लोड हो चुका हुआ है। बाज़ूकात मैंने देखा है कि जो स्मार्टफोन हमें जिनके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही होती उनके अंदर आप नीचे लैंड कर चुके हुए होते हो, ऑनलाइन दूसरे लोगों को आप नजर आ रहे होते हो, लेकिन आपको आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर लग रहा होता है कि आप स्टिल फ्लाई कर रहे हो। इसके अंदर आप लोगों को इस किस्म का कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। अब मेरा जो ध्यान है यहाँ पर यार वो गेम के अंदर नहीं है, वो आपसे बातों को करने के अंदर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गन को ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बातें भी करते रहेंगे। तो गन मुझे मिल चुकी हुई है, यहाँ पर M416 है, वैसे मेरी फेवरेट गन है। तो यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, डिस्प्ले का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसके अलावा इसके अंदर हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और टच सैम्पलिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पर मैं पबजी को प्ले कर लेता हूँ थोड़ी देर तक, ये जो मैच है इसको कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका जो टेम्परेचर वगैरह उसको मेजर कर लेंगे और आप लोगों को बाद में मैं डिटेल के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर हम एक्चुअल में जो पबजी की परफॉर्मेंस है वो किस किस्म की मिलती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख तो रहे हो, आप लोगों को आई थिंक आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहे। तो बाद में हम लोग मिलते हैं, सबसे पहले मैं यार थोड़े बंदे शंदे मार लूँ। यस यस, ये गाइस देखें मैं को इतना भी नूब प्लेयर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बंदा मारने लगा हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझसे एक भी बंदा नहीं मरेगा, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक दो बंदे तो मैं मार ही लेता हूँ, क्योंकि मैं खेल खेल के वैसे भी अकेला बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो टाइम लैप है उसको थोड़ा सा रोकते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो यार अभी तक जो ओह यार यहाँ पर इसने उन्होंने मुझे नॉक कर दिया हुआ। शिट यार, मुझे लगता है कि मुझे टाइम लैप पूरा कर ही लेना चाहिए था। अबे भाई कोई बचा लो मुझे आकर यहाँ पर, हेल्प हेल्प हेल्प, किधर है। एक्चुअली मेरा जो ध्यान था वो आप लोगों की तरफ था, और इसलिए जो यू नो ओए किधर है भाई, ये लो। तो गाइज यहाँ पर मैं मर चुका हूँ। तो यार ऐसा मैं करता हूँ कि मैं जल्दी मर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं 35 नंबर के ऊपर आया हूँ। तो इसको मैं दोबारा से पबजी को यहाँ पर इसको एग्जिट करता हूँ, दोबारा से एक और मैच लगाता हूँ ताकि हम लोग इसको एक्चुअल में देख सकें ज़्यादा टाइम के बाद कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह उसके अंदर किसी किस्म का कोई इंक्रीज आता है या फिर नहीं आता। तो यार यहाँ पर मैंने एक और मैच कम्प्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैक वाले पैनल के टेम्परेचर की, कि दो मैच लगाने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है बैक पैनल के ऊपर वो कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वक्त इसके बैक पैनल के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 34.5 डिग्री है। जब हम लोगों ने गेम को स्टार्ट किया तो उस वक्त 32.1 डिग्री था। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का इशू है वो किसी किस्म का भी मौजूद नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को कूलिंग का मैकेनिज्म भी मिल जाता है, तो इसके अंदर आप लोगों को टेम्परेचर को लेकर किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो इसके अंदर गेम चलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलती है। अगर हम लोग इस प्राइस रेंज को कंसिडर करते हैं और इसकी जो पबजी की परफॉर्मेंस है उसको कंसिडर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस ही मिल रही है। इसके अलावा हमें इसके अंदर किसी किस्म का इशू नहीं मिल रहा, किसी किस्म के कोई भी फ्रेम ड्रॉप इसके अंदर नहीं हमें देखने को मिल रहे। तो अगर आप लोगों का अभी भी स्टिल इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोग इसके अंदर पबजी को लेके किसी और चीज को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं कमेंट के अंदर चेक करके लाजमी तौर पर बता दूंगा। ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप लोग इस डिवाइस को पबजी के लिए बाय करना चाह रहे हो तो काफी एक अच्छी डील है, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी बड़ी बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 8GB की रैम मिल रही है, प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा है, उसके अलावा ग्राफिक्स काफी ज्यादा स्मूथली चलते हैं, 90Hz का रिफ्रेश स्टेट है, डिस्प्ले का साइज काफी ज्यादा बड़ा आप लोग यहां पर देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा बड़ा है, 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। उसके अलावा यहां पर ये जो डुअल पंच होल है ये आप लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि आपको जो हेडफोन जैक मिलता है वो यहां पर मिलता है इस साइड के ऊपर, आप लोग यहां पर जब हेडफोन को लगाते हो तो आपका जो ये वाला पंच होल है ये ऊपर वाली साइड के ऊपर आता है, तो आपके जो कंट्रोल होते हैं नीचे वाली साइड के ऊपर होते हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।